जूस शायद आपा को भूल देते। बस मेरा दिल चाह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए जूस नहीं बना सकती। थैंक यू। क्या गुड़िया से खेला जा रहा है। बड़ी हो गई हो। मैं समझ सकती तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। रिदा मुझे पूरा यकीन है बेटा, उस घर से तुम्हें बहुत चाहत बहुत मोहब्बत मिलेगी। तुमने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना है और उनकी चाहत की कदर करनी है। क्योंकि जब बेटा जब मोहब्बत भरे दिल टूटते हैं ना तो दुनिया की कोई खुशी कोई सुकून टूटे दिल का इलाज नहीं कर सकता। मैं समझ रही हूँ आप शमीला भाभी की बात कर रही हैं ना, उन्होंने हमारा दिल बहुत तोड़ा है। हाँ बस तुमने शमीला जैसी कोई हरकत नहीं करी। और हाँ अपनी सास को तुमने सास नहीं समझना, बस ये समझना कि मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम ऐसा समझोगी ना बेटा तो तुम्हें उनकी कोई भी बात कोई भी सख्त लहजा तकलीफ नहीं देगा, महसूस नहीं करोगी तुम। बस बहुत गहरी बात की है मैंने बेटा तुमसे, इस बात को अपनी गिरा से बांध लो। आप मुझ पे भरोसा रखें माँ, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। पता है, मुझे तो बस ये परेशानी हो रही है कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। मुझे मेरी बेटी की फितरत और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मैं हमेशा खुश रखे बेटा, तुम खुश और आबाद रहो अपने घर में। माँ बस मुझे ये परेशानी है, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा, मैं भी तो आई थी ना तुम्हारे अब्बा के घर। मैं देख लो खुश हूँ, तुम जैसी बेटी मिली है मुझे, बहुत सुख मिला है। सब भूल जाती है लड़की, जब उसे प्यार मिलता है ना उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तुम भी बहुत खुश रहोगी। माँ जी मेरी तो बस हो गई आज, ये आप लोग कैसे कर लेते हैं, मतलब एक एक घंटा एक दुकान में। ये क्या लड़कियों औरतों की शॉपिंग इतनी मुश्किल होती है क्या? मैं आज आखिरी दफा गया हूँ आपके साथ। अच्छा भाई अब मैं ही चली जाया करूंगी अकेली, ठीक है? तुम ना जाना मेरे साथ, शादी वाले दिन आ जाओगे दूल्हा बन के या वो भी नहीं? हाँ माँ जी वो तो मजबूरी है, वो तो आना पड़ेगा। अच्छा बताओ मुझे मुँह दिखाई में क्या दोगे दुल्हन को? क्या देना है माँ जी, मतलब आप हीरे जैसा बेटा दे रही हैं उसे तो। अच्छा क्या बदतमीजी है ये, मेरी बहू कोई कम नहीं है। अच्छा जी मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी तरफ से सोने की अंगूठी डाल दूँ, क्या ख्याल है? हीरे जैसी बहू है आपकी, उसे सोने की अंगूठी डालनी है? तुम अपना बताओ, कुछ जेवर पड़ा है मेरे पास पुराना, मैंने सोचा ज्वेलर को दे दूँ और नए डिजाइन के कंगन बनवा लूँ, क्या ख्याल है? जैसा मां जी आपको बेहतर लगे। अच्छा ये बताओ तुम्हें ऑफिस से लोन मिल जाएगा? मैं अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ।
इंशाल्लाह मैं कल बात करता हूँ।